नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के झांसी में हैं और ये सामने जो आप पीले कलर की इमारत देख रहे हैं, यह कोई साधारण इमारत नहीं, हालांकि है यह प्राइवेट, लेकिन इस इमारत में आज से 60-70 साल पहले एक जो अपने देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित बैंक है, उसकी यहाँ पर कार्यालय कहें, मुख्य शाखा कहें, वह हुआ करती थी। आपको बता दें कि जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका यह झांसी में सबसे पहले मुख्यालय या मुख्य कार्यालय हुआ करता था और कई सारे जो व्यवसायिक गतिविधियों हैं जो पूरे बुंदेलखंड में, चाहे वो उद्यमी हों, व्यापारी हों या सब आम जनता, सभी यहां से कनेक्टेड हुआ करती थी और सभी लोग इस स्टेट बैंक की शाखा में आया करते थे। खास तौर से जो बुज़ुर्ग पेंशन वाले हैं वह भी आया करते थे। इस इलाके को ग्रीन पार्क कॉलोनी के नाम से अब जाने जाने लगा है और यह झांसी के आप जब इलाइट चौराहे पर पहुंचेंगे तो इलाइट चौराहे से झोकन बाग वाले मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। यहाँ पर अब बड़ी बड़ी थोड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गए हैं। इनमें हम आपको एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो झांसी का प्रसिद्ध है, उसे इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नीरज खत्री इसके डायरेक्टर हैं और यहाँ पर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। यह कोचिंग नीरज खत्री जी के प्रयास से काफ़ी सफल हो चुकी है। सामने आप देख रहे होंगे ऊँची ऊँची इमारतें भी हैं और यह जो पीछे वाला आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर यह रास्ता 48 चैम्बर के लिए जाता है, जहाँ पर आपको 48 चैम्बर जो बना हुआ है जिसमें 48 कक्ष हैं, उसके नाम पर उसका नाम 48 चैम्बर रखा गया है। इसके साथ ही इसके आसपास अब बड़े बड़े होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित होने लगी। तो आप कभी झांसी आएँ और आपको कोई 48 चैम्बर के आसपास का इलाका में आना हो तो आप इलाइट से सीधे झोकन बाग वाले मार्ग पर चलेंगे तो चंद कदम के बाद यह इलाका आपको नज़र आएगा। अब हम आपको इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखाते हैं। हालांकि यहां पर इस समय आप देख सकते हैं कि काफ़ी कचरा डला हुआ है, क्योंकि यह बिल्डिंग सरावगी परिवार की बताई जाती है, जिन्होंने कि शायद कोर्ट से जीत के बाद इस बिल्डिंग को खाली करा लिया है। लेकिन अब यह बिल्डिंग जो SBI की है, वह ध्यानचंद स्टेडियम BKD मार्ग पर पहुंच गई है, जिसे मुख्यालय मुख्य शाखा कहते हैं स्टेट बैंक का, वही वहां पर पहुंच गई है। यह आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको खिड़कियां और दरवाजे दिख रहे हैं, यहां पर बैंक की गतिविधियां संचालित हुआ करती थी और यह आप देख सकते हैं कि जो स्टेट बैंक का लोगो है वह आपको नज़र आ रहा होगा। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने सालों पुराना यह भवन है। हालांकि काफ़ी बड़ा भवन है और काफ़ी सालों तक यहाँ पर स्टेट बैंक की गतिविधियाँ संचालित होती रहीं। हम आपको इसलिए है जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके, हमारी जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, कि झांसी में सबसे पहले स्टेट बैंक की मुख्य शाखा कहाँ हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं इम्पैक्ट कोचिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नीरज खत्री जी इसके डायरेक्टर हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। हालांकि इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोचिंग की जो गिरावट है उसका असर यहाँ भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर छात्रों और छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको हमने यह नज़ारा दिखाया। हालांकि यहां से हम आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं वह झोकन बाग इलाके का, आप यहां से नज़ारा देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि अब झांसी जो स्मार्ट सिटी के साथ महानगर में शामिल है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आने लगी हैं। तो यह देखा आपने झांसी की जो स्टेट बैंक की मुख्य शाखा की सबसे पुरानी बिल्डिंग हमने आपको दिखाई। आपको यह भवन, यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।
मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।